आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, पर उससे पहले मेरी कुछ बातों का तुम ध्यान रखना। बेटा, बात ये है कि तुम्हारी मम्मा और पापा तुम्हारे साथ हैं और दाना पानी की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें इस जिंदगी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हर किसी के नसीब में और उसके पास नहीं होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब हमारे पास हो, तो हमें एक दूसरे के साथ और समय गुजारना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। कि बेटा, सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा होते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। एक रात मेरी माँ बहुत बीमार थी और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्होंने मुझसे कुछ बातें की। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम, जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, और दुख को हंसते हुए सहना मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। फिर तभी मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, फिर वो कभी ना वापस आने वाली थी। वो रात मेरे लिए बहुत ही मुश्किल की रात थी। मैंने जैसे तैसे वो रात काटी, मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों? अगर तुम अब खुश नहीं हुए तो मैं कहानी